हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखा रही हूँ कढ़ाई बिरयानी। ना इसके लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये होगी, देख लें आप। एक तो मुझे चाहिए हरी मिर्चें, चार पांच हरी मिर्चें हैं। चावल बॉईल करने के लिए ज़ीरा है एक टीस्पून, टेबल स्पून ज़ीरा है, चार पांच हरी मिर्चें हैं, वन टेबल स्पून सॉल्ट है और वन टेबल स्पून मिक्स गर्म मसाला है। ये सारी चीज़ें हमने पानी के अंदर डाल के डाल देनी है, चावल बॉईल करने हैं इसके अंदर। ये हमारे एक किलो चावल है जो मैंने पानी में डाल दिया। पानी आपने ज़्यादा रखना है क्योंकि पानी का हमने इसका निकालना है ना। जब ये बॉयल हाफ डन हो जाएंगे, मतलब 80% 90% ये जब कुक हो जाएंगे तो मैं इसका पानी निकाल दूंगी ना। 80% कुक हो जाएंगे इसका पानी निकाल देंगे हम, और जो है बाकी नमक, गरम मसाला और ये ज़ीरा, हरी मिर्चें ये इसमें चली गई हैं। ठीक है, अब जैसे ये बॉयल हो जाएंगे और इसमें ये जो सर्विंग स्पून होता है, ये वाला सर्विंग स्पून जो होता है, ये हम इसमें डालेंगे दो चमचे चावलों के लिए। ठीक है, और ये पानी हमने रख दिया है। अब मैं इसको बॉईल करती हूँ, जब ये आधे बॉईल हो जाते हैं तो मैं इसको आपको दिखा दूँ। हाँ जी, मेरे चावल देखें अब 90% डन हो गए हैं ना। अब मैं इसका पानी ड्रेन कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब चावल वो इसका पानी निकल जाएगा तो फिर हम अपने आगे मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। इसका पानी निकाल लिया, अब हम आगे मसाले की तैयारी करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं अब आपको जो आगे बता रही हूँ ना, ये वो है मसाला, बिरयानी का मसाला बनाने का। ये आपको ज़ीरा चाहिए इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के ही फुल, और ये आपको कोरिएंडर पाउडर है, क्रश कोरिएंडर पाउडर नहीं हो, क्रश कोरिएंडर पाउडर वो, ये है आपको 2 टेबल स्पून। सॉल्ट है आपका 1 टेबल स्पून ही फुल, और जायफल जावित्री है आपकी 1 टीस्पून, गरम मसाला है आपका 1 टेबल स्पून, इसमें सब मिक्स गरम मसाला है, दालचीनी है और 3 इलायची हैं बड़ी, 6-7 लौंगे हैं और 6-7 काली मिर्चें हैं, काला ज़ीरा 1/2 टीस्पून है इसके अंदर, मिक्स गरम मसाला आप उसमें लिख लें कि 1 टेबल स्पून भर के डालना है। और ये आपको क्रश चिल्ली पाउडर, पाउडर नहीं क्रश चिल्ली आपको डालनी है इसके अंदर 1 टेबल स्पून, 7-8 6 आलू बुखारे आप इसमें डाल दें, 6 आलू बुखारे हैं मैंने पीछे भिगोए में। और ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर है, कोरिएंडर इसमें डालना है हमने 1 बंच, आधा जो मैं बिरयानी के मसाले में डालूंगी और आधा चावलों में जब मैं तह लगा लूँगी। और ये है आपको टमाटर जो हैं 6 टमाटर बड़े साइज़ के, 6-7 टमाटर बड़े साइज़ के, क्योंकि इसमें जितने टमाटर होंगे उतना आपका टेस्ट अच्छा होगा। और इसमें चिकन है आपका 1/4 किलो, मेरा चिकन 1/4 किलो का है, 1 किलो चावलों में, राइस 1 किलो है और चिकन 1300 ग्राम का है, 1300 ग्राम का। और ये बड़े साइज़ की 3 प्याज़ें आप ले लें, 3-4 प्याज़ें बड़े साइज़ की कटी हुई। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ऑयल आपने सर्विंग स्पून जो आपका है उसके 3 चम्मच डालते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये मैंने कोरिएंडर कह दिया था, कोरिएंडर नहीं डालिएगा इसके अंदर, इसके अंदर मिंट डालेगा, मिंट की 1 बंच। ये 3 स्पून मैंने इसमें डाल दिए, जैसे घी गरम होता है। प्याज डाल दी मैंने इसके अंदर, जब ये घी गर्म हो जाएगा प्याज ब्राउन कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर नहीं करना है इसमें, बस हल्की सी इसको सौते करना है प्याज को ना, जब ये आप देखेंगे ये मतलब सॉफ्ट हो गई है, ज़रा सी फ्राई करके ज़रा सी सॉफ्टनेस आ जाएगी इसके अंदर, फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ मैं। ये अब मेरा ना वो हो गया है प्याज, जो देखें ऐसी हो गई है। अब इसके अंदर आप ना ये आपका जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये डाल दें 1 टेबल स्पून, अदरक ज़रा से ज़रा ज़्यादा भी डालेंगे तो अच्छी लगेगी, क्योंकि उसकी खुशबू अच्छी आएगी।
और आपको इसकी स्मेल अगर जब फील होने लग जाए तो उसके बाद आप बाकी चीज़ें इसमें डालना शुरू करें। चिकन डालते हैं, चिकन डालने के बाद उसमें बाकी स्पाइसेस डालें अपने, जायफल जवेत्री 1 टीस्पून, गरम मसाला मिक्स, बादियान का फूल भी है इसमें और सारी चीज़ें इसे मिक्स हैं, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून, और ये 1 टेबल स्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, क्यूमन सीड चली गई इसमें 1 टेबल स्पून, फ्राई करें ताकि जो मसाला है उसकी खुशबू आए। ठीक है, आलू बुखारे हैं मेरे 6, ये 6 आलू बुखारे इसमें चलेगा। देखें आपका चिकन का कलर जो है वो चेंज होने लग गया है, कलर का जो है चिकन का कलर है वो वाइट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें ये टमाटोज जितने हैं सारे टमाटोज ऐड कर दें। ठीक है, ये टिक्का बिरयानी है इसलिए इसमें आपने सारे मसाले साबुत डालने हैं। दूसरी बिरयानी वगैरह जो होती है उसके अंदर तो हम मसाले पीस के डालते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने मसाला पीस के नहीं डालेंगे वरना वो उसका कलर चेंज हो जाएगा आपका। अब मैं इसको ना इसका बस आपने लो फ्लेम हाई फ्लेम पर इसका जो पानी है ना वो खुश करना है, तो मैं 2 मिनट के लिए ना इसको कवर करती हूँ, उसके बाद मैं फिर इसका ढक्कन हटा के और पानी खुश करते हैं। चेक करते हैं हम, ये देखें इसके जो टमाटर है ना वो सारे दब गए हैं। अब मैं इसमें आधा बंच मतलब मैंने जो पुदीना था आधा पुदीना मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा गार्लिक में डाल दूँगा, और इसको अब हम 10 मिनट के लिए जो है ना, क्योंकि ये अच्छा जो पाकिस्तान और इंडिया का चिकन होता है वो जल्दी गल जाता है, लेकिन आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो उसका गल्फ में है या कहीं आप यूके में हैं तो वहाँ जो चिकन में है ना वो देर वहाँ जल्दी पक जाता है, वहाँ टाइम नहीं लगता चिकन में ना यहाँ, लेकिन आप अगर पाकिस्तान और इंडिया में हैं तो वहाँ आपको टाइम देने पड़ेगा चिकन गलाने के लिए, क्योंकि मेरा चिकन ये वाला चिकन तो जल्दी गल जाएगा। इस वजह से अब ये मैं 10 मिनट के लिए इसको स्टीम पर रखती हूँ, फिर उसके बाद ये हम उसका पानी खुश करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा देखें चिकन जो है ना हो गया है, अब मैं जब तक इसका पानी खुश करूँगी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये अच्छा मैं ये कह रही थी आपको कि मैंने सॉरी उस टाइम गलती से इसको कह दिया था ना कि ये बिरयानी का टिक्का बिरयानी, तो ये टिक्का नहीं है ये बार वो कढ़ाई बिरयानी है, तो इस वजह से इसमें सारे मसाले जो हैं वो साबुत पड़ेंगे, कुटी हुई धनिया, हरी कुटी हुई हरी मिर्चें, सारी चीज़ें साबुत हरी मिर्चें साबुत धनिया ये सारी चीज़ें इसमें साबुत पड़ेंगी, साबुत गरम मसाला, क्योंकि अगर आप इसमें मिक्स करके डालेंगे तो सारा आपके डिफरेंट हो जाएगी ब्राइंग बिरयानी ना। देखिए इसका ये अब जो है ना ये ऑयल मसाला ना इसके ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है, अगर ऑयल ऊपर जब आपका आ जाए तो रेडी है मसाला। चलें आप इसका हम फ्लेम ऑफ करते हैं और तेह लगाते हैं चावल। अब इसके लिए जी हम है ना आप नीचे आप ज़रा सा ना ऑयल लगा लें ग्रीस करने के लिए, ताकि आपके चावल जो हैं वो नीचे से वो ना हो। ठीक है,
अब आप इसमें चावलों के लेयर लगाए। मेरे हाथ साफ हैं और ऐसा काम करेंगे तो प्लीज़ हाथ साफ कर लीजिएगा, बोलें अच्छी तरह। चावल हो गए हैं। ये बिरयानी का कलर मिलता है ना, ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर से मिलते हैं, तो ये मेरा जो है रेड कलर है। ज़रा सा आप चावलों के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। इसे डालने के बाद पुदीना डाल दें। पुदीना डालने के बाद जो मसाला है मेरा, मसाला डाल दें। ऑयल को आपने चावलों में भी कम रखना है, बस कि ताकि चावल चिपके नहीं, बस इतना ऑयल डालना है आपने उसके अंदर। और आपने इसमें भी कम रखना है, सालन में भी कम रखना है, बेशक बाद में आप ऊपर से चावलों पे डालने वाले। ऑलिव ऑयल में पकाएं या घी में पकाएं या ऑयल में पकाएं, कैनोल ऑयल जिसमें भी पकाना है वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं खैर ऑयल में पका रही हूँ, कैनाला में, कि मैं उसमें घी में नहीं पका रही ना, आपकी मर्ज़ी है कि आप जिसमें पकाएं। पकाने के बाद इसको हम 15 मिनट में ये स्टीम पे हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा इसका और ये रेडी हो जाएगी आपकी बिरयानी। टिक्का कह रही हूँ बिरयानी जो है ना, रेडी हो गई आपकी कढ़ाई बिरयानी। अब मैं इसके लिए दम के लिए रखती हूँ। अच्छे थे ये मैंने डाल दिए, और ऊपर से आप ऑयल ज़रा सा इस तरीके से डाल दें। ये डला है मेरे ख्याल से 2-3 टीस्पून, 2 टेबलस्पून डालते हैं आप, डिपेंड करता है कितना ऑयली है। दम पे रख दिया है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। बिरयानी हमारी रेडी है। हो गई है, अब मैं इसे डिश ऑफ करके आऊँगी, इसका फ्लेम बंद करते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखें मैंने डिश आउट कर ली है बिरयानी। अब आप उसका मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ना, और दुआओं में चीज़ ज़रूर याद रखें कि और टिक्का बिरयानी इंजॉय करें। थैंक यू सो मच, सॉरी टिक्का नहीं, कढ़ाई बिरयानी इंजॉय करें। थैंक यू सो मच।